गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओरल में है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको, लेकिन हमको जो बैकग्राउंड है उसको समझ लेना है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन 1931 वैन नील, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट, वैन नील प्रोवाइड द बैक्टीरियल यूज ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट एस फॉलो। सबसे पहली बार नेचुरल आर्टिफिशियल में वैन नील ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1931 में, जिसने उन्होंने वाटर के जगह हाइड्रोजन सल्फाइड लेकर कार्बन डाइऑक्साइड से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड उन्होंने कार्बोहाइड्रेट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया था। दिस लीड वैन नील टू पोस्टुलेट दैट ग्रीन प्लांट वाटर इज यूटिलाइज फॉर इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइ ऑक्सीजन इज इवॉल्व इन प्लेस ऑफ सल्फर। उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट, जो वैन नील में हाइड्रोजन सल्फाइड लिया था, प्लांट्स पानी का इस्तेमाल करता है और उसके कारण वाट ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ये उन्होंने सबसे पहले दुनिया के सामने रखे थे। रूबन इन 1941, 10 साल बाद, कन्फर्म द इन क्लोरेला। रूबन ने यही एक्सपेरिमेंट, नील का एक्सपेरिमेंट, क्लोरेला नाम के स्मॉल यूनिसेलुलर एल्गी के पर एक्सपेरिमेंट करके ये कन्फर्म कर दिया कि वैन नील ने बताया हुआ एक्सपेरिमेंट सही था, क्योंकि पानी का इस्तेमाल करके और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और निकला हुआ ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वाटर से निकलता है। ही यूज वाटर लेबल्ड हेवी आइसोटोप ऑक्सीजन। उन्होंने हेवी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, पानी का हेवी आइसोटोप का, ऑक्सीजन का, वाटर का इस्तेमाल करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि निकला हुआ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वाटर से आता है। द ऑक्सीजन इवॉल्व कंटेन हेवी ऑक्सीजन। देयर आर प्रूव्ड वैन नील हाइपोथेसिस दैट ऑक्सीजन इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस केम फ्रॉम दी वाटर, नॉट फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं निकलता है, निकलने वाला ऑक्सीजन वाटर के ब्रेकिंग से निकलता है। ये रूबेन ने वैन नील के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए क्लोरेला का इस्तेमाल किया था और ये साबित हो गया कि निकलने वाला ऑक्सीजन वाटर से निकलता है। दिस लीड टू द करंट एक्सेप्टेड जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ चुके कई बार, वही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और फोटो फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एंड इवॉल्व ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इन 1937 हिल कल्चर अ आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट। हिल ने क्या किया, एक क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया फ्रॉम द प्लांट्स इन मीडियम कंटेनिंग वाटर एंड फेरिक कंपाउंड, कि उसमें फेरिक कंपाउंड होगा और वाटर होगा, और उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। ऑन इल्यूमिनेशन एक्सपोज टू द लाइट, उन्होंने वो क्लोरोप्लास्ट को जब एक्सपोज किया कहाँ पर, लाइट में, सनलाइट में, ही ऑब्जर्व दैट देयर वॉज अ चेंज इन कलर ऑफ फेरिक कंपाउंड। उन्होंने देखा कि फेरिक कंपाउंड का कलर चेंज हुआ ड्यू टू रिडक्शन कॉज ऑफ हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम द वाटर थ्रू द फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस के देखा उन्हें कि हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीजन निकला, उसके कारण फेरिक का कलर चेंज हुआ। सोर्स ऑफ इवॉल्व ऑक्सीजन मस्ट बी वाटर, नॉट अ कार्बन डाइऑक्साइड। इसे एक बार फिर से हिल ने ये प्रूव कर दिया कि वैन नील ने जो बोला था वो सही था, कि निकला वो, निकलने वाला ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, कहाँ से होता है, वाटर होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ही ऑब्जर्व डायरेक्टली प्रूव दैट द हाइड्रोजन केम फ्रॉम द वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व। लेटर रूबेन केम इन बाय यूजिंग आइसोटोपिक ऑक्सीजन कन्फर्म द हिल्स रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू द हीमोग्लोबिन इन नेचर कल्चर मीडियम वन कैन डायरेक्टली प्रूव दैट सोर्स ऑफ इवॉल्व ऑक्सीजन इज वाटर,
नॉट अ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ड्यू टू एक्शन ऑफ इवॉल्व ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन टर्न रेड इन कलर फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है इसलिए उन्होंने प्रूव कर दिया. तो ये जनरल था. लेकिन वैन नील कौन है, हिल कौन है, रूबेन कौन है, ये आपको ध्यान रखना है. दिस ऑब्जर्वेशन कंफर्म दैट ऑक्सी वाटर मॉलिक्यूल मस्ट ऑक्सीडाइज रिलीज रिएक्टेड विद द हीमोग्लोबिन. हिल्स इनडायरेक्टली प्रूव दैट द सोर्स ऑफ इवॉल्व ऑक्सीजन इज फ्रॉम वाटर नॉट अ कार्बन डाइऑक्साइड. देयरफॉर इट इज कॉल्ड हिल्स रिएक्शन. इसलिए उसको हिल्स रिएक्शन कहा जाता है. अब हिल्स रिएक्शन के दो अलग अलग कंसेप्ट. फर्स्ट, हिल रिएक्शन प्रूव दैट द फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर पहला कंफर्म हो चुका है. इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑब्टेन फ्रॉम वाटर. समझेंगे, सॉरी. इसका मतलब ये बोला जाता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लगेंगे, एनर्जी लगेगी, वो कहाँ से आएगी, वाटर से आएगी, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सके. अकॉर्डिंग टू एर्नॉन इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. फोटो एनर्जी या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है. ये एर्नॉन ने बनाया, बताना शुरू किया. अब ये क्या होता है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच. ये जो केमिकल एनर्जी बनेगी लाइट एनर्जी एनर्जी से, केमिकल एनर्जी वो केमिकल एनर्जी ट्रैप हो रहेगी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन डोनर. ये हाइड्रोजन डोनर और ये एटीपी के फॉर्म में ऐसे स्टोर्ड रहेंगे. दिस एटीपी फॉर्मेशन इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन के फॉर्म में कहा जाएगा. इसके इसलिए इसको वर्ड को क्या कहता है, पहला वर्ड आता है फोटो. फोटो मीन्स लाइट, पहला वर्ड फोटो लाइट. फॉस्फो फॉस्फेट बॉन्ड बनता है एटीपी के अंदर में. एडीपी कन्वर्ट एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट होकर एटीपी बनता है. तो पहला वर्ड क्या कहलाता है, फोटो मतलब लाइट की एनर्जी इस्तेमाल होगी. फॉस्फो एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन एडीपी इन फॉर्म एटीपी फोटो फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है. मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल नोन एज द फोटो फॉस्फोराइलेशन. इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन प्रोसेस इन विच वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस फॉर्म शुगर. मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों, जिसको हम रेडॉक्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस ऑकर ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडेशन टू वाटर एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑकर एंड शुगर और कार्बोहाइड्रेट इज प्रोड्यूस, ये कहा जाता है. द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू मेजर रिएक्शन. इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में दो मेन पार्ट्स स्टूडेंट काउंट किए जाते हैं. पहला आता है लाइट रिएक्शन विच इज टोटली डिपेंड ऑन द लाइट एंड सेकंड डार्क रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर लाइट और इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट और नो नीड ऑफ लाइट. लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दिस टू रिएक्शन ऑकर सिक्वेंसली. लाइट रिएक्शन इज फॉलोड बाय डार्क रिएक्शन. दो रिएक्शन होते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस समझेंगे हम. एक लाइट रिएक्शन होगा, पहले लाइट रिएक्शन होगा उसके बाद डार्क रिएक्शन होगा. दोनों एक साथ में नहीं होंगे, सिक्वेंसली होगा. तो वो आएगा नेक्स्ट टॉपिक में. इसका नाम है लाइट रिएक्शन. वी विल कंटिन्यू